अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। काफ़ी अरसा गायब रहे, आपसे बात नहीं हो सकी, कोई व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि सर्दियां ही बहुत थी। बस फिर सर्दियों में भी काम तो करने पड़ते हैं, और मुझे लेना था एक डिनर सेट। फिर हम चले गए, अम्मी को बुलाया मैंने कहा अम्मी मेरे साथ चलो पहले। तो अम्मी ने बड़ी चूँच रहा की कि सर्दियों में बाहर ना निकालो मुझे, लेकिन फिर बस अम्मी को पकड़ के ले गई मार्केट। बस वहाँ पे हमने बर्तन देखे, बहुत ही खूबसूरत बर्तन थे। दिल कर रहा था ये ले लें वो ले लें, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ डिनर सेट ही लेना था। ये बहुत प्यारे ग्लास का सेट था, कांच के ग्लास थे, इतना बारीक इनका शीशा था, तो बहुत ही खूबसूरत बर्तन। ये भाई बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। इन्होंने हमें आला से आला क्वालिटी की और अच्छी अच्छी वैरायटी दिखाई। बहुत खुशी हुई इनकी कॉपरेशन से, इनका अखलाक बहुत अच्छा था। बस इन्हीं से फिर हमने एक डिनर सेट लिया। काफ़ी देर फिर बैठे रहे, बाकी बर्तन देखते रहे। बस एंड पे जाके हमें कोई लेटेस्ट डिज़ाइन का ये डिनर सेट अच्छा लगा। बहुत प्यारा डिनर सेट था। इसके जो लिड थे ना, ढक्कन थे इसके, तो वो शीशे के थे। ये भाई बहुत अच्छे थे। बस इन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। बस जी, ये शॉप वाले भैया हमारे साथ बहुत अच्छे थे। इन्होंने कहा कि अगर आपने कोई और बर्तन लेना हो तो हमारी ही शॉप पे आइएगा। हमने इन्हें कहा कि बिल्कुल जी, ज़रूर, आपका अखलाक हमें बहुत अच्छा लगा है, तो इंशाल्लाह आपके पास ही आएंगे दोबारा। और ये इनका रखा हुआ था छोटा सा, एक कुरान पाक की तरह था, उसमें आयतें थी, ठीक है, तो ये खुद ही प्रिंट करवाते थे। मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, फिर इन्होंने मुझे गिफ्ट दे दी। उधर अंकल बैठे हुए थे, अंकल ने मुझे आके ये समझाया कि ये आयत इस तरह की, ये आयत इस चीज़ के लिए पढ़ते हैं, ये सूरह इस चीज़ के लिए पढ़ते हैं। मैं भी अंकल की सुनती रही। बड़े अच्छे अंकल थे वो। इन्होंने हमारे लिए फिर चाय मंगाई, हमने चाय पी। अब ये मुझे बता रहे थे कि ये सूरह इस तरह रिस्क के लिए होती है, आसानी के लिए होती है। मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी थी, मैंने कहा बस मैं ये साथ ले जाती हूँ। वहाँ से हमने डिनर सेट उठाया। डिनर सेट उठा के हम अपनी मंजिल मकसूद पे जा रहे थे। यहाँ हमारा बंदा वेट कर रहा था कि मैं अंदर अंदर गलियों में नहीं जाऊँगा, आप लोग खुद डिनर सेट लेके बाहर आइए। अब ये लड़के से हमने डिनर सेट उठाया। पीछे पीछे अम्मी जा रही थी, मैंने कहा ज़रा वीडियो बना लो, ठीक है। फिर तो हम गए, अच्छा पहुँच गए थे हम, इतने अच्छे बर्तन थे। अम्मी को आवाज़ दी, रोका, मैंने कहा आओ कहीं बैठ के, वो खाते हैं चावल, खाते हैं राइस, खाते हैं जगह जगह पे राइस सेल हो रहे थे। इतना मुंह में पानी आ रहा था, मुझसे तो कहा नहीं जाता राइस, वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अम्मी ने कहा बस अब बस हो गई है, बहुत सर्दी है, रात बहुत हो गई है, सीधा स्पीड घर लगाओ। चलें जी, ये फिर हमने डिनर सेट रखा बाइक पे, आगे ड्राइवर साहब चला रहे थे, पीछे मैं बैठ गई, सेंटर में ये रखा। बस सर्दी इतनी शदीद बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बाइक चला रहे था, मम्मा बाइक चला रहा था बाबा। हमारी मम्मा ना शेफ है और हमारे बाबा भी शेफ है। हाँ, मैं खाने बहुत अच्छे बनाती हूँ और कुकिंग करने का वैसे मुझे बहुत शौक है, इसलिए अभी बेचारा मुझे फरमाइश कर रहा था कि मम्मा ये बना दो वो बना दो। मैंने कहा आज लाओ खाओ, आज बहुत सर्दी है मेरी। हाँ हाँ, वो भी अच्छी चीज़ें बनाता है। अच्छा जी, ये हम पूरी सर्दी इतनी शदीद, पूरे रास्ते में हाथ ठंडे, बर्फ हो गए थे, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो डॉल्फिन वाले मास्क सेल कर रहे थे लड़के, मैंने उनसे डॉल्फिन वाला मास्क लिया। मैंने कहा भाई ये हमें 100 रुपए के दो दे दो, तो उस बेचारे ने बड़ा हंसा है, कहता है बाजी ये बताओ पहले आपने को रिक्शा क्यों नहीं कराया। मैंने कहा बस हमने सोचा है कि हम बाइक पर जब ले जा सकते हैं तो हमें रिक्शा कराने की क्या ज़रूरत है। बस सर्दी इतनी थी, एक अगले ड्राइवर साहब को मैंने मास्क दिया, एक मैंने खुद मास्क लगाया, काफ़ी बचत हो गई थी। हाँ जी, अच्छा फिर ये इतना लंबा रास्ता तय करके ठंडे बर्फ, हाथ बिल्कुल सुन हो गए थे, हाथ काम ही नहीं कर रहे थे। कभी ये मेरा डिनर सेट इधर डोले, कभी इधर डोले, मैंने लेकिन पकड़ा हुआ था। मैं फिर बस अल्लाह अल्लाह करके घर पहुंच गए हम। ये जैसे ही घर पहुंचे, मेरा मास्क उतारने को दिल ही ना करे, इतनी शदीद सर्दी लगी हुई थी। ऊपर से ये बच्चे ने आके मेरी पॉकेट से पैसे निकाल दिए, मैंने कहा सीधी शराफत से पैसे वापस रखो। ये गुस्सा होके बेचारा वापस चला गया था।
अच्छा बस अब हम हीटर चल रहा था, शुक्र है अल्लाह का घर पहुंच गए खैर खुशी से, बर्तन भी सेफ थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सेफ थी। और अम्मी का बताऊं, अम्मी तो वापसी रिक्शा करा के आई थी क्योंकि अम्मी की जगह ही नहीं थी बाइक पे बैठने की। बस ये बच्चों को मास्क उतार के दिया, बच्चों ने कहा कि ये हमें दे दो, मैंने कहा चलो मेरा काम यहाँ तक ख़त्म हो गया, मैंने इसको दिया। अब आपसे चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।